Good morning students, how are you? So in the last class we have discussed about kinds of noun. So we have discussed how many types of noun? We have discussed two types of noun. First is common noun and second is proper noun. So today we are going to discuss the another two types of noun. Aaj hum two types ke noun aaj discuss karenge. One is countable noun and the other is countable noun. So let's start the class. So today's topic is countable noun and uncountable noun. So what is countable and what is uncountable? From this word you can easily understand that meaning of countable and uncountable. Countable means, you can see here. Now if I will ask how many fingers are there in my hand, so now what I will do, I will count. How I will count? 1 2 3 4 5. Now I have 5 fingers in my hand. So this is countable. Ki main count kar sakti hu is cheez ko. Suppose mere paas 10 pencils hai, to questions hoga ki aapke paas kitne pencil hai, to main kya karungi, main ek ek pencil ko count karungi. 1 2 3 4 like this. Aur maine count kiya to mujhe 10 pencils mila. That is countable noun. And what is uncountable noun? Uncountable means, jaise aapke hairs hai, aap hairs apne hairs ko count kar sakte ho? नहीं काउंट कर सकते. आप वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते. आप एयर को काउंट कर सकते हो? हवा को काउंट कर सकते हो? नो. सो दैट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. सो वी कैन डिस्कस मोर. लेट्स सी सम डेफिनेशंस. रीड दीज वर्ड्स. पेंसिल, ब्रश, बस, चिल्ड्रन, बॉक्स, कंट्री. नाउ सी, यू कैन से वन पेंसिल, टू ब्रशेस, 3 buses, 4 children, 5 boxes, 7 countries. We can count these nouns. Nouns that you can count are called countable nouns. Means countable nouns वो nouns होते हैं जिन्हें हम count कर सकते हैं. जैसे pencil है, हम pencil count कर सकते हैं. Brush है, हम brush count कर सकते हैं. Bus count कर सकते हैं. Children हो गए, हम अपने class में students count कर सकते हैं. बॉक्स काउंट कर सकते हैं एंड कंट्री काउंट कर सकते हैं. तो कुछ जो ऐसे वर्ड्स जिसको हम ईजिली काउंट कर सकते हैं, ईजिली गिन सकते हैं, दैट नाउन आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. उन नाउन्स को क्या बोला जाता है? काउंटेबल नाउन्स. नाउ रीड दिस वर्ड्स. मिल्क, फर्नीचर, हेयर, मनी, होमवर्क, राइस. वी डू नॉट से 2 मिल्क्स, 5 राइसेस, 6 जूसेस. These objects cannot be counted, but we can say a bottle of milk, a piece of furniture, strands of hair, some money, a lot of homework, a place of pride. Nouns that you cannot count are called uncountable nouns. अब countable nouns वो था जिसको हम count कर सकते हैं. अब उसका just opposite क्या हो गया? Uncountable. Uncountable noun means जिसको हम count नहीं कर सकते. जैसे milk, दूध, आप क्या उसको काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते. हेयर हो गया, अपने सर के बाल, आप उसको काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते. राइस हो गया, वीट हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे नाउन्स जिसको हम प्रॉपरली काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? अनकाउंटेबल नाउन्स. लेट्स चेक वन मोर. काउंट द नंबर ऑफ फ्रूट्स देन राइट इन द गिवन बॉक्स. अब हम यहाँ, यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स आर देयर, सम पिक्चर्स ऑफ फ्रूट्स. नाउ लेट्स काउंट हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर. 1 2 3 4 5. नाउ हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर? देयर आर 5 फ्रूट्स. ओके, बट नाउ इफ यू वॉन्ट टू से दैट काउंट द जूस, सी द जूस हेयर. अब आप इस जूस को काउंट कर सकते हो? नो. हाँ, वी कैन से कि अ ग्लास ऑफ जूस, एक जूस का ग्लास है. लेकिन हमने तो सिर्फ जूस बोला, आपको ग्लास नहीं बोला काउंट करने के लिए. आई हैड आस्क्ड कि आप जूस काउंट करो, तो हम जूस काउंट कर सकते हैं? नो, दैट इज़ इम्पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है जूस काउंट करना, बट हम फ्रूट्स काउंट कर सकते हैं. सो जो हम काउंट कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स डैट वी कैन काउंट, मीन्स जो हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल्स हैं जैसे हाउस, अम्ब्रेला, एग, फ्लैग, बिस्किट, एप्पल, टेबल, वुमन, चेयर, हॉर्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ countable nouns. Now uncountable nouns are things that we cannot count.
अब अनकाउंटेबल नाउंस वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वुड लकड़ी, पेपर चीज, सैंड ग्रास, शुगर मिल्क, राइस मड, प्लास्टिक्स। सो देयर आर सो मच एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस। यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट टू पार्ट ऑफ नाउंस, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। होप यू अंडरस्टैंड क्लियर। ये बहुत ईजी था, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। दोनों काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के काफ़ी से एग्जाम्पल्स हम डिस्कस किए हैं, तो नाउ इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सो टुमारो वी विल डिस्कस द लास्ट पार्ट काइंड ऑफ नाउन। कल हम नाउन का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।